हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु में। फ्रेंड्स, होप कि आपका इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी बढ़िया बीता होगा और उससे भी ज़्यादा बढ़िया वाला आपका अकाउंट्स का एग्ज़ाम बीते, इसलिए हम आपके साथ में अभी से जुड़ रहे हैं। ये वीडियो आपको मिल रहा होगा आपके जस्ट इंग्लिश के एग्ज़ाम के बाद 27 फरवरी को। ठीक है, देखिए इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ अपना जो आने वाले जो गैप है 7 डेज़ के, उसमें आपका एक मास्टर प्लान कि आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि आप अपने इस गैप को इस तरीके से यूटिलाइज करो कि आप अपने मार्क्स में 30 से लेकर के 40 मार्क्स का इजाफा कर सको। तो उसके पहले एक बात आप दिमाग में अपने बांध लो कि देखिए अभी तक जो भी कुछ हुआ आपके साथ में, आपने जैसी भी पढ़ाई की, जैसी भी तैयारी की, जहाँ से भी पढ़ा, जो भी पढ़ा, सब ठीक है। नहीं भी पढ़ा वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये 7 दिन आपको अपना बेस्ट देना है, कुछ भी हो जाए, पेपर कैसा भी आए, डोंट वरी, हमारे हाथ में क्या है। देखो, पेपर बनाने वाला सीबीएसई बोर्ड है, वो कैसा भी पेपर बनाया उससे आपको डरना नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं जब पेपर्स तैयार नहीं हो पाते उनके अच्छे से, तो वो ये मनाते हैं भगवान से या फिर सीबीएसई से कि जो पेपर है वो ईजी आ जाए। आपको पेपर नहीं देखना है, आपको खुद को देखना है, आपको अपने आप को देखना है, आपका प्रिपरेशन कैसा है। तो ये 7 दिन में आपको अपने आप को निखारना है, एकदम बढ़िया से बनाना है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि जब भी आप मतलब मैक्सिमम लोग क्रिकेट देखे होंगे कि जब भी एक बैट्समैन गलत शॉट खेलता है तो वो ये नहीं मनाता है कि जो सामने वाला जो प्लेयर है वो कैच छोड़ दे, वो अपने आप को कोसता है कि मैंने कैसा शॉट खेल दिया। वो अपनी गलती दिखाता है, ना कि दूसरे की गलती को मनाने के प्रयास में लगा रहता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है। 7 डेज आपको ये नहीं मनाना है कि सीबीएसई पेपर इजी देगा, कैसा भी दे, एकदम बढ़िया से आपको तैयार करके जाना है और लड़के आना है। एकदम 3 घंटे जो आप एग्ज़ाम देने जाओगे वो कैसा होगा, वो आज आपको इन 7 दिनों में डिसाइड करना है। उसके लिए आपको ज़रा भी वेस्ट नहीं करना है टाइम, बल्कि आज से ही आपको लग जाना है प्रॉपर। ये जो मेरा मास्टर प्लान है उसको आपको फॉलो करना है, और इस मास्टर प्लान को अगर आप फॉलो कर लिए एक बार बढ़िया से ढंग से, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो बेस्ट होने वाला है अकाउंट्स का, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, एकदम मूड फ्रेश करना है, अपना सारा चिंता छोड़ देना है कि क्या होगा कैसे होगा, वो सारी चीज़ें छोड़ देनी है। बस आपको अभी का अपना टाइम जो है वो बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है। ठीक है, एकदम से चिंता छोड़ दीजिए, सारी चीज़ें हो जाएंगी, बस आपको अभी का जो आपका टाइम है उसको अपना बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है। तो देखिए कैसे होगा, ये कैसा मास्टर प्लान है, मैंने क्या उसमें समझाया है, बताया है, आइए डिस्कस करते हैं आपसे बिना भी आप टाइम वेस्ट किए हुए। और याद रखिएगा, आपको आज से ही लगना पड़ेगा, क्योंकि ये 7 दिन अगर आपने जम के एक बार मेहनत कर दिया आपने तो जो रिज़ल्ट मिलेगा आपको कुछ महीनों के बाद ना, उसको आप शान से दिखा सकते होगे किसी को भी, अपने मार्क्स जो है आराम से शो कर सकते होगे किसी को भी। उसमें आपको कभी भी हिचकिचाना शर्माना नहीं पड़ेगा, ये 7 दिन आपकी पूरी लाइफ भर आपको याद रहेंगे। देखिए, लास्ट में आपको मैं यही बोलना चाहूँगा कि मुझे नहीं मालूम आपकी तैयारी कैसी हुई है, साल भर आपने कैसा पढ़ा है, क्या किया है, बस ये कहना चाहूँगा कि ये जो बचे हुए 7 दिन हैं उसको आप जम के एकदम मेरे साथ लगा दो और बढ़िया से मेहनत करेंगे हम लोग मिल करके, और आपके जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, इसी गारंटी मैं लेता हूँ। और सबसे अहम बात कि जो तैयारी है उसको स्टार्ट करने से पहले उस आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए कि मैं यहाँ से जितना मेहनत कर रहा हूँ वहाँ से आपको भी उससे डबल ट्रिपल होकर के मेहनत करना होगा। बात समझ में आ रही है? तो उसके सबसे पहले आपको इस वीडियो का जो मेन पार्ट है उसको स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ ज़रूरी बातें, ज़रूरी कविता जो आपके अंदर एकदम जोश सा भरेगी। देखिए क्या है इस लाइन में लिखा है, जो पन्ने गए हैं भर न जाने किसका था इन पर जोर, जुटा लो हर रंगों की स्याही ताकि बचे न पन्ना कोई खाली। तो आइए शुरू करते हैं इसी थॉट के साथ अपना ये वीडियो, और हम देखते हैं कि मेरी आगे आने वाली 7 दिनों की स्ट्रैटेजी क्या कैसे होनी चाहिए जो मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स की तरफ लेके। तो आपको करना क्या है, देखिए मेरा स्ट्रैटेजी क्या है, मास्टर प्लान क्या है। आपके पास है 7 डेज, आपके पास है 7 डेज, यानी 27, 28, 29 से लेकर के आपके पास 4 मार्च तक कुल मिला के आपके पास 7 डेज है। आपने करना यह है कि आपको अपने 7 डेज को 4:3 में बांटना है। 4:3 में बांटने से आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा आपके मार्क्स में 30 से 40 मार्क्स का इजाफा मिलने वाला है। अगर आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है तो उसको और स्ट्रेंथन मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा ताकत मिलने वाली है। करना क्या है, देखिए कैसे कैसे चीज़ों को करना है। आपको उन लास्ट के 3 दिनों में सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर पे फोकस करना है, और जितने भी आपके 4 दिन हैं उसमें जीतोड़ मेहनत करके आपको अपना सिलेबस रिवाइज करना है। क्लियर है? देखिए क्या होगा, हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए कि 27 को हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, यानी जब आप आज एग्ज़ाम दे करके आओगे तो मेरी
एनपीओ के ऊपर दो वीडियोस रहेंगी। दो वीडियोस में पहले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जो थ्योरी मार्क्स का जो थ्योरी पार्ट होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आ सकता है। तो वो 4 नंबर का प्रिपरेशन आपको पहली वीडियो में मिलेगा, और दूसरे वीडियो में आपको 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन एक बड़े आते हैं उसके प्रिपरेशन के लिए टिप्स और क्वेश्चन भी मैं करके बताऊंगा कैसे क्या क्या करना है। तो वो आपका 10 मार्क्स आपका आज का आज क्लियर होने वाला है, अगर आपने 27th को पूरा एनपीओ अपना मन से दिल से ख़त्म कर दिया हो। क्लियर है? फिर उसके बाद आपको 28th को क्या करना है, यानी कि नेक्स्ट डे 28th को आपको करना ये है कि आपको अपना खत्म करना है शेयर्स और डिवेंचर्स। शेयर्स और डिवेंचर्स, डिवेंचर्स में आपको इशू और रिडम्पशन पूरा प्रॉपरली एकदम बढ़िया से खत्म करना है, उसके लिए रीजन वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप इसको कर लेते हो तो आपका 20 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर होने वाला है, 20 मार्क्स आपका सिक्योर होने वाला है, जिसमें आपके शेयर्स के क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क्स के कन्फर्म है, फिर उसके बाद डिवेंचर्स के आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। कुल मिला के आपका पास 20 मार्क्स को तैयार करने का प्रिपरेशन करने का टाइम है। तो कल आपको अपने आप को मैनेज करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है, मेरी वीडियो आ जाएंगी कल, ठीक है, उसका जो शेड्यूल है वो आपको पता चल जाएगा। और ये सारी चीज़ें आपको करनी है 28 को, और 29 को आपको क्या करना है, अपना पूरा पार्टनरशिप यानी पार्ट ए का जो वॉल्यूम 1 है वो बढ़िया से आपको टच करना है और एकदम खत्म कर देना है। उसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसको अगर आप कर लेते हो तो आपका एक बढ़िया कवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 मार्क्स के लिए आपको लड़ाई करनी है 29th ऑफ फेब को, जो कि एक्स्ट्रा दिन है इस पर्टिकुलर ईयर में, अदरवाइज 28 तक ही मेरा फेब होता है। फिर उसके बाद आपको करना ही है 1st ऑफ मार्च को, 1st ऑफ मार्च को आपको सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी देखना है, सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी देखना है। उसमें आपको क्या देखना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो, कॉम्पिटेटिव एंड कॉमन साइज, ये सारी चीज़ें, और थ्योरी भी देखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको 1 तारीख तक खत्म कर लेनी है, 1 मार्च तक आपको खत्म कर लेना। और लास्ट के 3 दिन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर पे ही, और जितने भी आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स हुए हैं उसके पेपर्स पे ही टिके रहने के लिए, सॉल्व करने के लिए, अलग अलग जैसे भी आपके, अगर आपने पेपर नहीं लगाया अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन आपको अपने पेपर पे ही देना है, क्योंकि आप इतनी सारी तैयारियां कर तो लोगे, पूरे साल भर जो आपने इतना पढ़ा है उसको रिवाइज तो कर लोगे, लेकिन लास्ट में जो 3 घंटे पेपर देने हैं आपको जाके, वो पेपर कैसा आता है, क्या होता है, वो नहीं पता होगा, तो कोई भी मतलब नहीं है इन सारे प्रिपरेशन का। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन 4 दिनों में बढ़िया से प्रिपरेशन करनी है, और फिर आखिरी के 3 दिन में आके आपको उसको समराइज़ करना है। और उन 3 दिनों में भी आप, ऐसी बात नहीं है, आपको उन तीनों 3 दिनों में भी ऐसे डाउट्स आएंगे जिसके लिए कि आपको इन पीछे जाना पड़ेगा, अपने बुक्स को ओपन करना पड़ेगा, अपने नोट्स को खोलना पड़ेगा, जिसमें से कि आपको प्रिपरेशन करें, मतलब उसमें से भी आपको अपने जो भी डाउट्स है उसमें से क्लियर करना पड़ेगा। तो ये 3 दिन हमें लगता है कि आपके लिए सुटेबल होगा, इनफ होगा अपने सैम्पल पेपर्स को रिवाइज़ करने के लिए, और जितने भी डाउट्स आते हैं इस लेवल पे वो सॉर्ट आउट करने के लिए। तो उसके पहले आपको ये 3 दिन मिले हैं, 3 दिन काफ़ी हैं आपके इन सारे कामों के लिए, तो उसके पहले ये 4 दिन आपको एकदम जम के मेहनत करना पड़ेगा। 3 दिन आपको एटलीस्ट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर क्या होता है, बच्चे को आता है सब आता है, उसको पार्टनरशिप भी पता है, उसको एनपीओ भी पता है, उसको शेयर डिवेंचर सारी चीज़ें पता है, कैश फ्लो भी बना लेता है बच्चा, लेकिन वो 3 घंटे में वो सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाता है। तो सर ये वही बात हो गई कि आपने इतना पढ़ा और आप उसी बच्चे के बराबर हो गए हो जिसको एनपीओ नहीं आता है। अगर आपने एनपीओ का क्वेश्चन नहीं किया एग्जाम में, तो आप उसी बच्चे के बराबर हो गए जिसको कि एनपीओ नहीं आता, जिसको कि शेयर्स नहीं आता। बात समझ आ रहा है? अगर आपको सबसे अलग हटना है, सबसे अलग बनना है, तो सबसे अलग तैयारी भी करनी पड़ेगी। बात क्लियर है? ठीक है, तो देखिए कैसे आपको ये सारी चीज़ें करनी है। बस आपको हमारी वीडियोस को ध्यान देना है सारी चीज़ें, और आपको 10, 20, 30 और 20 के रेशियो में अपने 4 दिन को बांटना है, ताकि आप बचे हुए 3 दिन में 80 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन कर ले जाओ बढ़िया से। तो इसी स्ट्रैटेजी के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा ऑल दी वेरी बेस्ट।